दोस्तों 1955 में इंडिया में 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरर्स थे। एक साल बाद गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। पार्लियामेंट ने 19 जून 1956 को लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया एंड दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन अदर वर्ड्स LIC। आज 44 साल तक LIC का लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर मोनोपोली थी। LIC grew at astronomical rates because of this monopoly. When LIC started, it had 50 lakh policy holders. Today, more than 25 crore Indians have life insurance with LIC. That's a growth rate of 50 times. The stock market is excited about the upcoming LIC IPO. In this video, we will go over the what, why, how and when of this upcoming IPO. Dosto, IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इन एन IPO, अ कंपनी डाइल्यूट्स इट्स ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर इन्वेस्टमेंट। IPO में शेयर्स खरीदने के बाद रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी के पार्शियल ओनर्स बनते हैं और कंपनी को करंट ऑपरेशंस और फ्यूचर ग्रोथ फाइनेंस करने के लिए फंड्स मिलते हैं। दिस इज व्हाई एन IPO कैन बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। थ्रू द अपकमिंग LIC IPO, द यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू सेलिंग अबाउट 10% ऑफ इट्स स्टेक इन LIC। एनालिस्ट के हिसाब से LIC की टोटल वैल्यूएशन 8 से 11 लाख करोड़ की है। 10% ऑफ दैट विल बी 80,000 टू 1 लाख करोड़, देयरफॉर मेकिंग द अपकमिंग LIC IPO द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। अब तक कोई भी इंडियन IPO 20,000 करोड़ से ऊपर नहीं गया है। देयरफॉर द LIC IPO इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 5 टाइम्स एज बिग एज द प्रीवियस बिगेस्ट IPO। चलिए इस IPO को और गहराई से समझते हैं। Let's understand why this IPO is happening. The LIC IPO is part of a process known as disinvestment. Disinvestment के जरिए government public corporations को partly privatize करती है। The purpose of disinvestment is to raise revenue for the government. ये बात याद रखने जैसी है कि government LIC में minority stock बेच रही है। अगर government majority stock बेचती तो पैसा ज्यादा मिलता पर LIC के ऑपरेशंस और फ्यूचर अर्निंग्स पर कंट्रोल कम हो जाता। जो इन्वेस्टर्स LIC के IPO में शेयर्स खरीदेंगे उन्हें वोटिंग राइट्स तो मिलेंगे बट एज अ ब्लॉक दे विल नॉट बी बिग इनफ टू थ्रेटन द गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर LIC। LIC के अपकमिंग IPO में रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्ट ले सकते हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द हू पार्ट ऑफ द इक्वेशन। रिटेल इन्वेस्टर्स वे इंडिविजुअल्स होते हैं जो 2 लाख से कम तक के शेयर्स खरीदते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स आर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, कल्चरल सोसाइटीज और ट्रस्ट दैट प्लेस बिड्स फॉर मोर देन 2 लाख इन द IPO। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑल्सो नोन एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स QIBs आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इन द अपकमिंग LIC IPO 35% of the shares will be reserved for retail investors, 15% for non-institutional bidders, and 50% for qualified institutional bidders. The LIC IPO can be a good option for retail investors for 3 reasons. First, LIC is a dominant market leader. Because of a government-granted monopoly that lasted 44 years, LIC got a big head start over the other players. LIC has used this head start well to create a fantastic company and a great brand. Number 2, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में हर 4 नए पॉलिसीज में से 3 पॉलिसीज LIC इशू करता है। Number 3, LIC के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रीसेंट पास्ट में थोड़े से बड़े हैं। However, LIC ने बैड लोन से डील करने के लिए सरप्लस एसेट्स तैयार रखे हैं। इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट से भी LIC के बिजनेस को कोई भी खतरा नहीं है। रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, साउंड फाइनेंसेस और कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंडिया में सबसे हाईएस्ट है, 98%। फॉर ऑल दीज रीजंस, रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग इन LIC थ्रू इट्स अपकमिंग IPO। फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट स्पीच में And it disciplines the company and provides access to financial markets and unlocks its value. It also gives opportunity for retail investors. However, अब तक गवर्नमेंट ने
नहीं बताया है कि आईपीओ कौन सी डेट को होगा। कुछ एनालिस्ट को लगता है कि ये आईपीओ अर्ली नेक्स्ट ईयर होगा और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि आईपीओ इस साल के अंत में ही हो सकता है। आईपीओ होना है, इतना पक्का है। कोविड-19 की वजह से इंडिया का इकॉनमी 23% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इस साल काफी घटेगा। The LIC IPO can be a much needed source of revenue for the government. इस IPO के थ्रू existing policy holders का भी फायदा हो सकता है। IPO के बाद LIC को SEBI के rules and regulations follow करने होंगे और इससे LIC की efficiency बढ़ेगी। A consulting firm and SBI Capital Markets have been hired to help the government arrive at a valuation for LIC. These two companies were selected from a bidding process. As you can see from this document, 11 companies presented in front of Department of Investment and Public Asset Management. From these, Deloitte and SBI Capital Markets won the bid. Some government insiders are now suggesting that the government might dilute as much as 25% of its stake in the IPO. दोस्तों, अगर ये होता है, तो IPO का साइज 2.5 गुना बढ़ जाएगा। IPO का साइज बढ़ाने के पीछे एक अच्छा रीजन है। कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत बहुत बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोविड-19 हैज इंक्रीज्ड द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर व्हाइल डिक्रीजिंग इट्स इनकम। अ वाइडनिंग फिस्कल डेफिसिट मींस द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज और बोरोइंग से देश का डेट बर्डन बढ़ता है। दिस इन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग अ स्टेक इन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज इज अ ग्रेट वे टू रेज फाइनेंसेस विदाउट इंक्रीजिंग डेट ऑब्लिगेशंस। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Let us know in the comments what topic you want Angel Broking to tackle next. ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.